Welcome student, today we will start the book of ninth, and in this book the first unit is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model of tolerance. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the model means namuna, and tolerance means sabr, yani ke rawadari, sabr, tamal, bardash, ye sara jo hai is ek hi word mein sari cheezein aa jati hain. To yahan hum kya kahenge, model of tolerance, rawadari ka namuna, sabr ka namuna, bardash ka namuna. तो ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. तो रीडिंग की तरफ आते हैं. सबसे पहले है जी प्री रीडिंग. प्री रीडिंग में देखें आप, लुक एट द माइंड मैप बिलो टू प्रिडिक्ट द कंटेंट ऑफ द लेसन, यानी कि माइंड मैप देखें और उसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी चीज़ की पहले बता दें, पेशन गोई करें कि इस चैप्टर में, इस यूनिट में क्या चीज़ डिस्कस की गई है. तो आप देखें, आप देख सकते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और आगे उनके एट्रीजोन के अंदर जो चीज़ें, जो एट्रीब्यूट्स थी वो आगे डिस्कस की गई हैं. द फर्स्ट वन इज़ रहमतुल आलमीन. रहमतुल आलमीन है कि पूरे जहाँ के लिए उनको रहमत बनाकर भेजा गया. जस्टिस, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को. ह्यूमैनिटी, इंसानियत को. पेशेंस, सब्र को. और सादिक एंड अमीन, आपको पता है हज़ूर पाक को सादिक और अमीन के अलकाब से भी पुकारा जाता था, क्योंकि लोग उनके पास अपनी इमानतें रखते थे. उनको उन्होंने, लोगों ने उन्हें सच्चा पाया, इसलिए इनको एक ये अल्फाज, उनको ये लकब उनको दिए गए थे, सादिक एंड अमीन. फर्स्ट है जी रीडिंग. ओ यू हु हैव बिलीव, सीक हेल्प थ्रू पेशेंट एंड प्रेयर. इंडीड अल्लाह इज़ विद द पेशेंट. यहाँ आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा. दीज इन्वर्टेड कॉमा इंडिकेट द स्पीच मार्क. स्पीच मार्क यानी कि ये आपके पास ये होली वर्सेस हैं, ये कुरान पाक से एज इट इज़ उठाई गई हैं. अलबकरा की है सूरत, अलबकरा है सेकंड सूरत और 153 आयत है. तो आप देख सकते हैं ओ यू हु हैव बिलीव, यानी कि ये जहाँ से स्टार्ट हो रही है इन्वर्टेड कामा, यहाँ स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे एंड हो रही है, तो यहाँ पे ये विद द पेशेंट, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज हो रहे हैं. तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये स्पीच मार्क है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये एज इट इज़ उठाई गई है. जब भी आप कोई चीज़ ऐसी लिखेंगे या कुछ, तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कामा यूज़ करेंगे, या किसी की कही हुई बात को कोट करेंगे तब भी आप कोटेशन मार्क, स्पीच मार्क, इन्वर्टेड कामा, सारे इन्हीं को कहा जाता है. अब ट्रांसलेशन इसकी देखते हैं. ओ यू हु हैव बिलीव्ड. अब अल्लाह ताला ने, आपको पता है कुरान पाक में इंसानों को जो है मुखातब किया है ईमान वालों. अब बिलीव यानी कि जो ईमान रखते हैं, ए ईमान वालों सीक हेल्प थ्रू पेशेंट, यानी कि सब्र से मदद तलाश करो. एंड प्रेयर, प्रेयर मीन यहाँ नमाज, सलात, सलावात जैसे. इंडीड दर हकीकत अल्लाह इज़ विद द पेशेंट, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. बाय टॉलरेंस वी मीन अ फेयर एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड टूवर्ड दोज हुज लाइफ स्टाइल डिफर फ्रॉम अदर्स. टॉलरेंस इज द वर्च्यू विच अनेबल्स अ पर्सन टू फोबियर द एटीट्यूड, नेगेटिव रिमार्क्स एंड एक्शन विद पेशेंस एंड कामनेस. द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ सुपर्ब एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस. इट इज़ हिज टॉलरेंस दैट लेट हिम फॉरगिव हिज वर्स्ट एनिमी. Truly, he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience, and compassion. The Holy Quran describes him as Rahmatul Alameen, a mercy onto the whole mankind and the universe. अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं. बाय टॉलरेंस, टॉलरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. रवादारी वी मीन, यानी कि रवादारी से हमारा, हमारी मुराद है अफेयर. फेयर कहते हैं मुनसफाना. एंड ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड गैर जानबदार, यानी किसी की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव ना हो, किसी को ज़्यादा वो अहमियत दें और किसी को ना दें. एक गैर जानबदाराना जो इंसान का रवैया होता है, सबके लिए इक्वल, सबके लिए एक जैसा एटीट्यूड, रवैया टूवर्ड्स दोज उनकी तरफ हुज लाइफ स्टाइल जिनका तर्ज ज़िंदगी डिफर्स फ्राम अर्स हमसे मुख्तलिफ है. अब पूरी स्टेटमेंट की मैं करती हूँ. रवादारी या सब्र और बर्दाश्त से हमारा मतलब है उन लोगों के साथ मुनसफाना और गैर जानबदाराना रवैया है जिनकी तर्ज ज़िंदगी हमारी तर्ज ज़िंदगी से मुख्तलिफ है. टॉलरेंस इज़ अ वर्च्यू. टॉलरेंस पहले भी बताया है, ज़ाहिर है कि वर्ड बार बार आएगा. टॉलरेंस इसको मैं किसी दफ़ा बर्दाश्त कह सकती हूँ, कभी मैं इसको रवादारी कह सकती हूँ, या कभी मैं इसको तामल कह सकती हूँ. तो आपने बच्चों इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सारे वर्ड इक्वल हैं, एक जैसे मीनिंग रखते हैं. टॉलरेंस इज़ द वर्च्यू. रवादारी एक
नेकी है विच अनेबल्स अ पर्सन, जो काबिल बनाती है इंसान को टू फोबियर, कि वो बर्दाश्त करे द एटीट्यूड, रवैयों को, नेगेटिव रिमार्क्स मनफी तबसरे या बयानात, एंड एक्शंस और अमल को विद पेशेंस, सब्र के साथ, एंड कामनेस और खामोशी के साथ। पूरा देखें, बर्दाश्त वो नेकी है जो एक फ़र्द को दूसरे इंसानों के रवैयों, मनफी तबसरों और अमल को तामल और ख़ामोशी से बर्दाश्त करने के काबिल बनाता है। द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ सुपर्ब एग्ज़ाम्पल, आला मिसाल है, आला तरीन मिसाल है ऑफ टॉलरेंस, सब्र की। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सब्र, रवादारी या बर्दाश्त की एक आला तरीन मिसाल है। इट इज़ हिज टॉलरेंस, ये इनकी बर्दाश्त ही है, दैट लेट हिम फॉर गिव हिज वर्स एनिमी, जिसने आपके बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ करवाया। यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त ही है जिन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया था। ट्रूली सच ये है, ही इज़ एन एपिटमी ऑफ टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, पेशेंस एंड कंपैशन। ही इज़ एन एपिटमी ऑफ टॉलरेंस, एपिटमी कहते हैं परफेक्ट एग्जांपल को, मुकम्मल मिसाल को, ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त की, फॉरगिवनेस, माफ़ी की, पेशेंस, सब्र की, एंड कंपैशन, हमदर्दाना रवैये की। ट्रूली सच ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त, माफ़ी, सब्र और दूसरों के साथ हमदर्दाना रवैये की एक मुकम्मल मिसाल हैं। द होली कुरान डिस्क्राइब्स हिम, होली कुरान इन्हें बयान करता है एज़ रहमतुल आलमीन, रहमतुल आलमीन के नाम से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन के नाम से याद करता है। अ मर्सी, एक रहमत, ऑन टू द होल मैनकाइंड, मुकम्मल इंसानियत पर, एंड द यूनिवर्स, सारी कायनात पर, यानी कि सारी इंसानियत और सारी कायनात के लिए रहमत। व्हाइल प्रीचिंग इस्लाम इन मक्का, द कुरैश ऑस्ट्रसाइज्ड हिम एंड हिज फैमिली बनू हाशिम, दे लिव इन अ वैली कॉल्ड शाब अबी तालिब, देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, द बिलीवर हैड नो मीन्स ऑफ इनकम एंड दे वर लीडिंग अ वेरी टफ लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. During the situation, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained calm and tolerant and never thought about taking any sort of revenge. Even after he had conquered Makkah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam taught his followers to remain tolerant. After the conquest of Makkah, the Muslim army entered Makkah humbly and peacefully. No house was robbed, no man or woman was insulted. The Prophet sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. While preaching Islam, preaching tabligh karna, ishaat karna, Islam ki in Makkah. The Quraysh ostracized him. Ostracized kehte hain jala watan karna, apne mulk se nikal dena, apne watan se nikal dena. And his family aur unke khandan ko, Banu Hashim, unke family ka naam kya tha? Banu Hashim. मक्का में इशात इस्लाम के दौरान कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान बनू हाशिम को जलावतन किया। दे लिव इन अ वैली कॉल्ड शाब अबी तालब, वो शहाब अबी तालब नामी वादी में मैसूर थे। देयर वाज स्कार्सिटी ऑफ फूड एंड वाटर, खुराक और पानी की कमी थी। स्कार्सिटी कहते हैं कमी को, किल्लत को। द बिलीवर हैड नो मीन्स ऑफ इनकम, बिलीवर ईमान वाले, यानी कि यहाँ हुज़ूर पाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर थे, जो उनको मानने वाले, जो उनके पैरोकार थे, अहले ईमान, हैड नो मीन्स ऑफ इनकम, उनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं था, एंड दे वर लीडिंग अ वेरी टफ लाइफ, और उन्होंने गुजारी सख्त टफ लाइफ, सख्त ज़िंदगी, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल तक। अहले ईमान के पास आमदन का कोई ज़रिया नहीं था और वो 3 साल तक बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजार रहे थे। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, इन हालात में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन काम, पुरसकून रहे, एंड टॉलरेंट और बर्दाश्त के साथ, एंड नेवर थॉट अबाउट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ रिवेंज, और किसी किस्म का रिवेंज कहते हैं बदला,
और किसी किस्म के बदले के बारे में नहीं सोचा। इन हालात में भी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसकून और बर्दाश्त के साथ रहे और किसी भी किस्म के बदले के बारे में नहीं सोचा। इवन आफ्टर ही हैड कंकर्ड मक्का, यहाँ तक कि जब उन्होंने मक्का फतह कर लिया, द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉट हिज फॉलोअर टू रिमेन टॉलरेंट। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को तलकीन की कि वो मुतमल मिजाज रहें। आफ्टर द कंकर्स ऑफ मक्का फतह करने के बाद द मुस्लिम आर्मी मुसलमान लश्कर इंटर मक्का में दाखिल हुआ हम्बली आर्जी से एंड पीसफुली पुरम तरीके से। नो हाउस वॉज रोब्ड, कोई भी घर नहीं लूटा गया। नो मैन और वुमेन वॉज इंसल्टेड, किसी आदमी या औरत की बेइज्जती नहीं की गई। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड अ जनरल एमनेस्टी टू द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का। जनरल एमनेस्टी कहते हैं कि आम माफ़ी सबको। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद क्या किया था कि सारे मक्का की पूरी आबादी को उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया था उनके लिए। इसका कैसे होगा जी? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया। आफ्टर कंकर्स ऑफ मक्का व्हेन एवरीबडी गैदर इन काबा खाना काबा, द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड द पीपल ऑफ कुरैश, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट माई हैंड्स। जब मक्का फतह हो गया, आफ्टर कंकर्स ऑफ मक्का फतह करने के बाद, व्हेन एवरीबडी, जब हर कोई गैदर जमा था इन खाना काबा में, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क द पीपल ऑफ कुरैश, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों से पूछा, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एट माई हैंड्स, आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं। फतह मक्का के बाद जब सारे लोग खाना काबा में जमा हुए, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कुरैश वालों से पूछा, आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं। दे ऑल शाउटेड इन वन वॉइस, उन सब ने एक आवाज़ में जवाब दिया, यानी कि वो एक आवाज़ में चलाए, काइंडनेस एंड पिटी, मेहरबानी और रहम, ग्रेशियस ब्रदर, अजीम शान वाले भाई, ग्रेशियस नेफ्यू, अजीम शान वाले भतीजे। दे वर नॉट डिसअपॉइंटेड, उनको मायूस नहीं किया गया। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द सेम फॉरगिविंग वर्ड्स एज प्रॉफिट यूसुफ अल इस्लाम हैड सेड टू हिज ब्रदर्स, हैव नो फियर दिस डे, मे अल्लाह फॉरगिव यू एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल टू दोज हु शोज मर्सी। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए द सेम फॉरगिविंग वर्ड्स, वही माफ़ी वाले अल्फाज एज प्रॉफिट यूसुफ अल इस्लाम हैड सेड टू हिज ब्रदर, जैसे यूसुफ अल इस्लाम ने अपने भाइयों को कहे थे। फिर पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही माफ़ी के अल्फाज अदा किए जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाए थे, हैव नो फियर दिस डे, आज के दिन कोई माफ़ी ना खाओ, मे अल्लाह फॉरगिव यू, आपको अल्लाह माफ़ करे, एंड ही इज़ द मोस्ट मर्सीफुल टू दोज हु शो मर्सी, अल्लाह ताला उन पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम का मामला करते हैं। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन फॉरगेव अबू सुफियान एंड हिज वाइफ हु वर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम। ही प्लॉटेड मैनी टाइम्स अगेंस्ट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर डिड सो। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन फॉरगेव, यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया अबू सुफियान एंड हिज वाइफ, अबू सुफियान और उसकी बीवी को, हु वर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इस्लाम, जो कि बदतरीन दुश्मन थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इस्लाम के। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान और उनकी बीवी को भी माफ़ कर दिया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे। He plotted many times against the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam never did so. Plotted, साजिश करना। उसने कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं किया। अब यहाँ तक बच्चों आपका हाफ़ चैप्टर हो गया, हाफ़ यूनिट हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आपने इसमें से एटलीस्ट 20 MCQs इस हाफ चैप्टर के 20 MCQs बनाएं, और उसके अलावा ऐसा करें कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स आपको मिले हैं उनके मीनिंग्स लिखें रजिस्टर्स पर। थैंक यू।